हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स। आज की क्लास के अंदर हम एक्चुअली में कोई सब्जेक्ट नहीं, आपके ट्वेल्थ क्लास की अकाउंट्स के जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली सैंपल पेपर इशू किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे बनेगा आपका ट्वेल्थ के बोर्ड का, मतलब क्या क्या क्वेश्चन इस सैंपल पेपर के अंदर सब दिखाए गए। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर जो सीबीएसई ने अभी रिसेंटली अपना कोर्स, जो आपका सिलेबस डिलीट हुआ है, कोर्स चेंजेस हुए हैं, और अभी रिसेंटली जो सैंपल पेपर इशू किया 2021 के लिए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। ओके, देखो इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन बताऊं कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर पूरे दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी, टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। फिर है जो पार्ट ए है वो तो कंपलसरी है हर एक के लिए, जैसे कि नॉर्मली होता है, और पार्ट बी के अंदर दो ऑप्शंस हैं, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो आपके सेकंड बुक है, और साथ ही साथ जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की है वो है आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास अब जो क्वेश्चंस हैं टोटल 32, उसमें सिर्फ जो फर्स्ट 13 क्वेश्चंस है 1 to 13, और साथ में सेकंड पार्ट में जो 23 to 29 है, ये वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स ईच होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 होगा और क्वेश्चन नंबर 30 है, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स की है, और जो 15 से 18 तक हैं और जो 31 क्वेश्चन है वो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन हैं। बाकी 6 मार्क्स वाले टोटल आपके यहाँ पर ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, 19, 20 and 32, और 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 8 मार्क्स के हैं, जो कि 21 and 22 हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के। कोई वैसे ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपके पास, जैसे 4 मार्क्स वाले के अंदर और 8 मार्क्स वाले के अंदर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, उनमें से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट रहेगा जिसके बारे में बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चंस में, इस पेपर के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस किस किस तरीके से डाले गए हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। लेकिन आप देखो पार्ट ए के अंदर सबसे पहले आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं शुरुआत में, ये सारे एमसीक्यू हैं। इस एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर आपके पास देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी फर्स्ट जो आपका फंडामेंटल चैप्टर का है आपका, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का है जिसमें एडमिशन के टॉपिक का है, शेयर कैपिटल में से है, और ये एनपीओ का है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का है, और साथ साथ ये फिर पार्टनरशिप में। तो आपके पास ये शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू से, शेयर कैपिटल के हों, चाहे एनपीओ के हों, चाहे वो पार्टनरशिप के हों। साथ ही साथ देखो ये 1 to 8 तक तो आपके सारे वे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 9th क्वेश्चन में आपका है 1 मार्क का ही, लेकिन ये फिलअप्स का है, तो इसमें से आपको ये पढ़ के एक फिलअप भरना है। उसके अलावा 10, 11, 12, 13 ये भी क्वेश्चंस आपके सारे 1 मार्क के हैं। ओके, तो ये पहले 13 क्वेश्चंस जो हो गए वो तो आपके हो गए सारे एमसीक्यू या फिलअप्स वाले 1 मार्क वाले, जल्दी हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, इसलिए आप हाली से इसको फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तो 13 मार्क्स आपके यहीं पर सॉल्व हो सकते हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे सिर्फ पेपर बता रहा हूँ, इनके जो सॉल्यूशंस हैं किस तरीके से करने हैं, क्या क्या बताना है, ये आपको मैं अलग से क्लास में बताऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो 14th क्वेश्चन है, देखो ये 3 मार्क्स का है जिसमें चॉइस है, ये 14th चॉइस है दोनों, ये आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का और ये आपका इसका सब्सक्रिप्शन का, एनपीओ के चैप्टर में से चॉइस दी गई है, तो इनमें से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो जो आपको आसान लगे उस वक्त कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको वर्किंग नोट्स बनाकर अच्छी तरह सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा ये 14th क्वेश्चन जो आपका है एनपीओ में से चॉइस का। इसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन के बाद 4 नंबर के क्वेश्चन हैं जिसके अंदर ये देखो पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स का, और साथ साथ आपको चॉइस मिली है इसके अंदर इसी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्टमेंट कैपिटल का क्वेश्चन, इंटरेस्टमेंट राइट का क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए वर्किंग नोट्स के साथ बनाकर आपको ये पूरा क्लियर करना है। तो ये आपका चॉइस में आ गया 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन एक आता है ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ये भरने वाला शेयर कैपिटल का, शेयर फॉरफिचर जो 3 एंट्रीज होती है उनमें से ये 3 एंट्रीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें अमाउंट भरना है, और साथ ही साथ जो एक शेयर फॉरफिचर अकाउंट बनाया हुआ है उसको भी फिल करना है। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, इसी तरीके से आप चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा ये सारा। उसके बाद 17 और 18 क्वेश्चन दोनों आपके 4 4 मार्क्स के हैं, जिसके अंदर ये एक डिसोल्यूशन का है जिसके अंदर सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, और ये आपका पार्टनरशिप का फंडामेंटल का एक क्वेश्चन और है जो 4 मार्क्स का है, इसमें अंदर भी आपको थोड़ा सा अपने डिसीजन मेकिंग करनी है। 19th क्वेश्चन जो है और 20th क्वेश्चन ये आपके 6 मार्क्स वाले हैं, जिसके अंदर ये 19th क्वेश्चन आपका एनपीओ का क्वेश्चन है जिसमें 3 एडजस्टमेंट्स के साथ क्वेश्चन है, और साथ साथ 20th क्वेश्चन आपका ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें श्योर कैपिटल लिखते डिबेंचर्स का क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का, ये टेक ओवर वाला क्वेश्चन है यानी वेंडर वाला,
तो वो आपका टॉपिक 6 नंबर का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद 21 क्वेश्चन जो है ये चॉइस में है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इस 21 क्वेश्चन के अंदर 8 मार्क्स में आपको एडमिशन और रिटायरमेंट इन दोनों में चॉइस दे रखी है। तो एडमिशन के क्वेश्चन के अंदर आपको जनरल एंट्रीज पूछी गई है और रिटायरमेंट के क्वेश्चन के अंदर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी गई है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जनरल एंट्रीज अच्छी तरह आती है, जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन कर लो। अगर आपको अकाउंट्स बनाने हैं तो अकाउंट्स में रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है। पर ध्यान रखना, अभी हमने जैसे सीबीएसई के सिलेबस देखा था, उन्होंने बैलेंस शीट डिलीट करने की बात की थी, पर बैलेंस शीट का क्वेश्चन इसमें सैंपल पेपर डाला गया है। तो ध्यान रखिए, इसका तैयारी करके रखिएगा, ये कुछ भी हो सकता है सीबीएसई वाले, तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन इसमें डाला गया है। ओके, बाकी एडजस्टमेंट्स नहीं है, मैंने देखा है तो एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है। उसके बाद 8 नंबर का एक और क्वेश्चन है जिसमें भी चॉइस है, जो शेयर कैपिटल का है, इशू ऑफ शेयर्स का, जिसमें से दोनों फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस हैं आपके, वही इसमें जनरलाइज करना है और इसमें जनरलाइज करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके चॉइस में है जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन है शेयर कैपिटल में से। पार्ट बी के अंदर आप देखोगे तो पार्ट बी के अंदर ये आपके पास एक शुरुआत में ये आपके 6-7 क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू पार्ट के हैं। ये आपका कैश फ्लो का, इसी तरीके से रेशियोज के हैं, कैश फ्लो के हैं, ये क्वेश्चन कैश फ्लो रेशियोज और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आपके शुरू के 7 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपको एक 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, जिसके अंदर आपको एक तो प्रोप्राइटरी रेशियो पूछी गई है और साथ ही साथ यहां पर एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें से चॉइस मिली हुई है आपको, या तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लो या प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लो। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है जो कॉमन साइज और कंपैरेटिव बैलेंस शीट वाले चैप्टर में से है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है और यहां पर भी आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। इन दोनों में से आपको चॉइस मिली हुई है 4 नंबर के क्वेश्चन में। और लास्ट में 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपको। इसमें जैसे लिखा भी हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों एक्टिविटीज शो करनी है। और 3 एडजस्टमेंट्स का, 2 एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है 6 नंबर का। जो पार्ट बी है आपका, इसी के अंदर जो ऑप्शनल है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसके पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आपके पास जो 2 बुक्स हमने पढ़ी हैं जो आपके नॉर्मली चलती हैं वो आपके कोर्स में इसमें ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके अंदर भी लगभग वही फॉर्मेट रहेगा, अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का टॉपिक भी कर रहे हैं तो 7 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू है, उसका 3 नंबर का एक क्वेश्चन और उसका 4-4 मार्क्स के, एक 4 का, एक 6 का मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बताया पेपर में क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन अभी आपको बताऊंगा इसके अंदर में इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे बताई गई है। देखो, जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर अकाउंट्स के अंदर आपके शुरू के जो 13 क्वेश्चन सारे एमसीक्यू हैं वो आपके ठीक होंगे, तो ये एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो ठीक होते जाएंगे, एक एक मार्क्स मिलते जाएंगे। उसके बाद जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल बनाना है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का पूरा फॉर्मेट बनाना है, ये पूरा बनाने के बाद 1+2 ये बताया हुआ है कि ऊपर वाले पार्ट का 1 मार्क है और नीचे वाले पार्ट के 2 मार्क्स है, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो किस तरीके से डिवाइड किया गया ये आपको बताना है। तो इसमें ध्यान रखना कि कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, आप अगर ऊपर का पार्ट भी बना दोगे तब भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और अगर दोनों पार्ट्स बनाएंगे अच्छी तरह, यानी कोई चीज छोड़ते भी हैं, कोई चीज छूट जाती है, तो आपका कोई मार्क ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन कट जाएगा, जितना करोगे उतने मार्क्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, जैसे नॉर्मली होता भी है। तो 1+2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे, कंज्यूम निकालने के लिए 2 मार्क्स हैं और अकाउंट बनाने के लिए 1 मार्क है। चॉइस के अंदर अगर आप जाते हो तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पूरा बनेगा तब जाके वो आपका 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ऑप्शनल है। उसके बाद देखो, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी और एडजस्टमेंट एंट्री के बाद आपका टेबल बनाना था। टेबल में आपको देखो 4 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया, 1.5+2.5, यानी कि आपके जो एक्चुअल 1.5 मार्क्स हैं ये तो आपके हैं इसके, ठीक है ना, एंट्री के, और 2.5 मार्क्स आपके इस एडजस्टमेंट टेबल के हैं। ये वर्किंग नोट्स नहीं है, ये वर्किंग नोट्स बोलते हैं, लेकिन ये एडजस्टमेंट टेबल है, जिसका पूरा टेबल बनाने का, जो सही तरीके से फॉर्मेट बना के बनाओगे तो 2.5 मार्क्स इस टेबल के हैं और 1.5 मार्क्स इस क्वेश्चन के हैं जो आपने जनरल एंट्री करनी है। तो आप इस तरह से 4 नंबर आपको डिवाइड किए गए हैं। ऑप्शनल में चलोगे तो आपका जो ऑप्शनल के अंदर भी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसके अंदर 2+2 है, यानी कि आपका अगर ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो फॉर्मेट है वो बनाओगे तो 2 मार्क्स हैं, और आपकी जो एक्चुअल वर्किंग नोट्स बना रहे हो उसको कैलकुलेट करने के लिए उसके भी 2 मार्क्स हैं। तो 2+2 मार्क्स इस तरीके से बनाए गए हैं। जो 16 क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको फिलअप्स करने थे शेयर कैपिटल के अंदर, इसके अंदर आप देखोगे 4 नंबर में कैसे डिवाइड किया गया हर एक चीज के। जैसे आप शेयर कैपिटल का अमाउंट डालोगे तो हाफ मार्क्स उसके हैं, ऐसे शेयर फोर्चर का अमाउंट निकालोगे तो हाफ मार्क्स इसके, यानी कि आपके बाकियों के इतने मार्क्स वेटेज नहीं है, यानी कि 4 नंबर में हाफ मार्क तो आपको मिलेंगे शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालने के, हाफ मार्क मिलेंगे आपको शेयर फोर्चर का अमाउंट निकालने के लिए, और ये हाफ मार्क मिलेंगे आपको किस तरह से कैलकुलेट किया, ये जो नरेशन लिखी है हाफ मार्क उसके हैं। इसी तरीके से रीइशू के एंट्री के अंदर भी हाफ मार्क कितने बैंक में कितना डाला है, फोर फीचर में डिस्काउंट कितना दिखाया है,
और शेयर कैपिटल में कितना डाला है, हाफ 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 मार्क्स इसके हो गए। और इस तरीके से यहाँ पर कितने शेयर्स कैसे इशू के, हाफ मार्क्स यहाँ पे दे दिए। तो हर एक चीज के यहाँ पर हाफ हाफ मार्क है, जो जो चीज होती जाएगी उस उसके आपके हाफ मार्क्स मिलते चले जाएंगे, और बाकी अगर जो बचेंगे वो सारे आपके इस कैपिटल रिजर्व की एंट्री के आपके आंसर आ जाएंगे और मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपका ये टोटल इस तरह चार मार्क्स को डिवाइड किया गया इस पूरे 16 क्वेश्चन को। और शेयर फॉर अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर भी आपने ये जो जो पूछा गया है शेयर फॉर अकाउंट बनाने के आपको हाफ मार्क यहां मिल रहे हैं, ठीक है, अगर पूछा गया क्वेश्चन में था। ये जो आपका 17th क्वेश्चन है जिसके अंदर चार मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास चार एंट्रीज थी डिसोल्यूशन की और चारों एंट्रीज के एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है। तो इसके मतलब जितने एंट्रीज करोगे उतने आपके, जितने ठीक करोगे उतने आपके मार्क्स मिलते चले जाएंगे। 18th क्वेश्चन आपको डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर, इसके अंदर भी चार पार्ट थे, चारों पार्ट एक एक मार्क्स के हैं, इसका मतलब चार मार्क्स आपको यहां मिलेंगे हर एक एंट्री हर एक पॉइंट के। जो 19th क्वेश्चन था छह मार्क्स का, जिसमें आपका एनपीओ का चैप्टर था, एनपीओ के क्वेश्चन के अंदर भी आपका छह मार्क्स के अंदर देखो कैसे कैसे है, आपने अगर लॉस निकाला है तो वो कैलकुलेट करने का हाफ मार्क, इसमें ऑनरेरियम निकाला है, मेडिसिन का है, डेप्रिसिएशन का है, हर एक ये जितनी जितनी आपके पास चीजें डाली हैं, यानी जितनी चीजें ठीक करोगे उतनी ही चीजों के आपके हाफ हाफ मार्क मिलते चले जाएंगे। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 8 ये हैं, 8 के अलावा चार एंट्रीज ये हैं, तो 8012 एंट्रीज यहाँ पर डाली हुई है, इन 12 एंट्रीज के ही आपको हाफ हाफ मार्क, यानी हर एक एंट्री के हाफ मार्क इस तरह 6 मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। क्लियर हो गया ना, हर एक ठीक चीज के हाफ मार्क, यानी कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं, आपको दिखाई दे रहा है हर एक छोटी से छोटी चीज के आपको यहां पर मार्क्स मिल रहे हैं और मिलेंगे। ओके, 20th क्वेश्चन जो आपका था जिसमें आपका वेंडर वाला क्वेश्चन था आपके डिबेंचर्स के अंदर, वहां पर आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, उसमें 3 मार्क्स का ये और 3 मार्क्स का सेकंड पार्ट है। 3 मार्क्स का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर दो एंट्रीज हैं, लेकिन इसके अंदर डिवाइड करने के लिए 1.5 + 1.5 यानी 1.5 मार्क्स पहली एंट्री के और 1.5 मार्क्स दूसरी एंट्री के, इस तरह से डिवाइड किया गया। और जो दूसरा पार्ट 3 मार्क्स का है उसके अंदर आपके पास तीन हिस्सों में तीन एंट्रीज हैं इसकी डिबेंचर के अंदर, तो हाफ मार्क पहली एंट्री के, 1.5 मार्क्स जो मेन एंट्री है उसके 1.5 मार्क्स हैं, और थर्ड एंट्री के आपके 1 मार्क है। इस तरीके से आपका 3 मार्क्स पे ये डिवाइडेड है। 21 क्वेश्चन जो आपका 8 मार्क्स का था, जो पूरा आपका एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस थी, उसके अंदर देखो हर जो पूरी जनरल एंट्रीज पूछी गई है, जितनी जनरल एंट्रीज हैं आपके पास रिवॉल्यूशन की है या जितनी भी आपके पास देखो हाफ मार्क इसके हैं 1, 1, 1, इस तरह से हर एक एंट्री के आपके हाफ मार्क या 1 मार्क, और ये देखो ये आपका प्रीमियम की एंट्री के 1.5 मार्क्स हैं, यानी जो गुडविल की एंट्री आप करोगे वो उसके अंदर आपको 1.5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एंट्री के 1.5 मार्क्स कैसे आ सकते हैं ये आपने चेक किया इसके अंदर। इसी तरीके से आपका रिटायरमेंट के अंदर रिवॉल्यूशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी थी, इसके अंदर भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया 8 मार्क्स को, 2.5 मार्क्स रिवॉल्यूशन अकाउंट के, 3 मार्क्स आपके कैपिटल अकाउंट के और 2.5 मार्क्स आपके बैलेंस शीट के, ठीक है ना। ये तीन पार्ट में आपका 8 नंबर का ये क्वेश्चन डिवाइडेड है। अगर हम चलते हैं आप शेयर्स के चैप्टर के क्वेश्चन की तरफ जो 8 मार्क्स का है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो ये आपके पास देखो जो 8 मार्क्स में 0.5, 1+1+2+1.5+1+1 ये 5 हिस्सों में डिवाइड है आपके पास जितनी एंट्रीज हैं इसके अंदर, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 एंट्रीज हैं, उन 7 एंट्रीज के अलग अलग मार्क्स। आप देखोगे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं आपके 1, 2, 3, 4 फिफ्थ एंट्री के, फिफ्थ एंट्री कौन सी थी फॉरफीचर की, इसके अंदर आपके पास 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं, रीशू के आपके 1 मार्क है और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री के 1 मार्क है, ऊपर की सारी एंट्रीज के आपके पास 0.511 मार्क्स हैं। तो ये आपके पास ध्यान रख रहे हो कि किस तरीके से मार्क्स डिवाइड करके आपको मिलेंगे। और जो सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर भी आपको एंट्रीज करनी थी, यहां पर भी लगभग वैसा ही है, देखो 0.5111 सभी एंट्रीज के 1-1 मार्क्स है, क्योंकि 9 एंट्रीज है इसलिए 2 एंट्रीज इसमें हाफ हाफ मार्क की है, बाकी सारी 1-1 मार्क की एंट्रीज सॉल्व की हुई है। उसके बाद आप सेकंड पार्ट में पहुंचते हो तो पहले आप 7 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो तो आपके 1 मार्क के हैं। रेशियो का क्वेश्चन जो आपका था 3 नंबर का, जो चॉइस थी इसके अंदर, उसके अंदर आपके पास ये हाफ मार्क फॉर्मूला लिखने के और उसी तरीके से 1 मार्क इसको कैलकुलेट करने के और 1.5 मार्क आपके इसको आंसर निकालने के और 1 मार्क इसकी कैलकुलेशन करने के। तो आपके पास ये भी डिवाइडेड है ½+1+1+2 इस तरीके से आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में भी आपके पास जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हाफ मार्क फॉर्मूला निकालने के, हाफ मार्क आंसर निकालने के और बाकी जो दो बीच में एडजस्टमेंट्स कैलकुलेशंस की गई हैं 1-1 मार्क की, वो दो एडजस्टमेंट्स हैं कैसे आपने कैलकुलेट किया। उसके बाद आपका जो कंपैरेटिव वाला चैप्टर है उसके अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन चॉइस है आपकी, तो उसके अंदर कंपैरेटिव के अंदर 4 मार्क्स का पूरा ये टॉपिक है, ठीक है, और ये भी आपका 4 मार्क्स का है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा क्वेश्चन करोगे तो 4-4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। इसमें भी अगर आपको गलती होती है तो वहां पर आपके नंबर कटेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आपका हो गया। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपके पास पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस 6 मार्क्स के अंदर भी आपको डिवाइडेड होगा आपकी हर एंट्री के, ऑपरेटिंग के, इन्वेस्टिंग के, फाइनेंसिंग के, हर एक के कैलकुलेट करने के आपके अलग अलग मार्क्स हैं,
2+2+2, इस तरह से आपके 6 मार्क्स विद वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करके आ जाएंगे। और कंप्राइज्ड अकाउंटिंग में भी ऐसे आपके पास सारे हैं। तो आपको मैंने ये पूरा बताया मार्किंग स्कीम किस तरीके से बनेगी आपकी पूरे पूरे सैंपल पेपर की, क्वेश्चन पेपर की। तो अभी इस क्लास के अंदर आपको बताया कि किस तरीके से आपका अकाउंट का सैंपल पेपर बनने वाला है और मार्किंग स्कीम कैसे हर एक छोटी चीज के नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। ये अकाउंट्स का बताया। अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास की वीडियो के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक्स और साथ साथ बिजनेस स्टडीज के भी आपको बताऊंगा सैंपल पेपर को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या बताना है। लेकिन अभी आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, तो सैंपल पेपर बता रहा हूं कि किस तरीके से बना हुआ है, जो सीबीएसई ने इश्यू किया है, और साथ साथ इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। लेकिन इस पूरे पेपर का सॉल्व करूंगा आपको अलग से वीडियो के अंदर। लेकिन अभी अब आपको मैंने अकाउंट्स का सैंपल पेपर बताया, मार्किंग स्कीम बताई, अगली क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स और उसके बाद बिजनेस स्टडीज के भी पूरा सैंपल पेपर और एमसीक्यू जो एक मार्किंग स्कीम है ये आपको मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो आने वाली वीडियोस के लिए कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।